Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Assalamu alaikum, namaskar. BK News में आपका स्वागत है. मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं BK News. रेना मार्केट ने किया COVID-19 का उल्लंघन. बसो कल्याण सिटी के रेना मार्केट ने कर्नाटका गवर्नमेंट के बनाए गए COVID-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए अपने दुकानें चालू रखी. गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए लॉकडाउन करते हुए गाइडलाइंस जारी किया, जिसमें सिर्फ जरूरी चीजें जैसे किराना, तरकारी, फ्रूट्स, मिल्क, मेडिकल और एपीएमसी मार्केट को खुले रखने का आदेश जारी किया, जिसमें एपीएमसी मार्केट और किराना सुबह 6 से 12 बजे तक और तरकारी फ्रूट को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक घूमते हुए फिरकर बेचने का आदेश दिया. इसके अलावा सभी कारोबार बंद रखने का आदेश दिया है. लेकिन बसो कल्याण सिटी के रेना मार्केट जहां कपड़ा, ज्वेलरी, फुटवेयर की दुकानें हैं, ये सभी दुकानदार गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए दुकानों को खोल कर कस्टमर को अंदर बैठा कर शटर डाउन करके अपने कारोबार कर रहे थे. जैसे ही इसकी खबर टाउन PSI बसवराज को मिली, तुरंत रेना मार्केट पहुँच कर दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए FIR दर्ज किया. एंड डेवलपर्स एंड रियल एस्टेट ARK गिरी सिल्क एंड सारी. मैं गांव में ड्यूटी कर रहा था, तुम आज कर रहे हो, तुम ड्यूटी नया है. अब सवाल ये बनता है कि क्या दुकानदारों को अपनी और कस्टमर की जान से ज़्यादा ज़रूरी अपनी आमदनी है? क्या इन दुकानदारों और कस्टमर को अपनी और अपने परिवार की जान की परवाह नहीं है? एक ऐसे माहौल में जहां पर लोग अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल फिर रहे हैं, अगर हॉस्पिटल मिल भी जाता है तो बेड नहीं मिलता, बेड मिल भी जाता है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. इस कोरोना की दूसरी लहर ने अपनों को अपनों से इतनी दूर कर दिया है कि वो वापस लौट कर नहीं आ सकते. इन बसो कल्याण सिटी और तालुके में कई लोगों की मरने की खबर आ रही है. कोई एक दूसरे के गम में शामिल नहीं हो पा रहा है. हर तरफ सिर्फ कोरोना के डर का माहौल बना हुआ है. लेकिन बसो कल्याण सिटी की ये रेना मार्केट में महिलाएँ शॉपिंग करने में लगी हुई. एक तरफ अपने परिवार को बचाने के लिए महिलाएं ऑक्सीजन के लिए भीख मांगती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ महिलाएं शॉपिंग करती हुई नजर आ रही हैं. दुकानदार अपने दुकानों में कस्टमर को इस तरह बैठा रहे हैं कि इनके बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती, जबकि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अपने गाइडलाइंस में ये बात खुलेआम बता चुकी है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें. लेकिन यहां पर इस तरह का कोई पालन करते हुए नजर नहीं आया. क्या एडमिनिस्ट्रेशन को ये मार्केट नजर नहीं आ रही है? एडमिनिस्ट्रेशन इस पर खामोश क्यों है? हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए.